तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को पुराने खराब पड़े LED बल्ब से 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करके दिखाने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, मैं आप लोगों को LED बल्ब को बैटरी चार्जर बनाता दिखाने वाला हूं जिसमें आप बैटरी भी चार्ज कर पाएंगे और LED बल्ब भी यूज कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित हर तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, तभी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आपने घंटी का निशान को प्रेस किया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह 9 वोल्ट LED बल्ब है जिससे हम इस 12 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करेंगे। दोस्तों, यह LED बल्ब ख़राब हो चुका है, इसका जो अंदर का जो लाइट है वह फ्यूज हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका ढक्कन खोल लिए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो लाइट था LED था वह ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, हम 12 वोल्ट का जो बैटरी है रिचार्जेबल उसको हम चार्ज करेंगे और इसमें नया LED लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो रेड वाला है वह प्लस पॉइंट है और जो ब्लैक वाला है इसका माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस LED को, दोस्तों इसको हमने काट कर अलग किए हैं और इसमें छोटा छोटा वायर लगाए हैं। दोस्तों, हमने इसे इसलिए काटे हैं क्योंकि इसका जो लंबाई था LED का, वह जो LED बल्ब है उसमें हम लगाएंगे तो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसे दो भागों में बांट दिए हैं काट कर और इसमें वायर लगा दिए हैं ताकि हम उसे इस तरह से मोड़ कर LED बल्ब है उस पर इसे सेट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसका जो वायरिंग कनेक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो बैटरी है, इसका जो रेड वाला है वह उसका प्लस पॉइंट है और जो ब्लैक वाला है इसका माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों, हम इसका जो रेड वाला वायर है प्लस पॉइंट, उसे हम बैटरी का जो रेड वाला वायर है जो प्लस पॉइंट है उसको हम एक साथ जोड़ेंगे इस तरह से। और जोड़ने के बाद दोस्तों, हम जो LED है उसका जो प्लस पॉइंट है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम प्लस पॉइंट में सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर हम इसे सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा रंगा लगाएंगे सोल्डिंग आयरन में। उसके बाद दोस्तों, हम जो प्लस वाली वायर हमने जोड़े थे उसको हम LED के प्लस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने LED का बल्ब है उसका जो प्लस पॉइंट और बैटरी का प्लस पॉइंट को हम डायरेक्ट जो LED है लाइट लगा रहे हैं हम प्लस पॉइंट है वहां पर हमने इसे जोड़ दिया है। उसके बाद दोस्तों, हम जो बैटरी का माइनस पॉइंट बल्ब का जो माइनस पॉइंट है उसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। दोस्तों, हम इसे माइनस पॉइंट को हम LED का जो माइनस पॉइंट है उसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, उस पर हम एक स्विच लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम दोस्तों इसका जो LED लगा रहे हैं उसे हम स्विच से कंट्रोल करेंगे और जो आपका बैटरी है दोस्तों वह डायरेक्ट LED बल्ब से चार्ज होगा। और दोस्तों, हम LED को हम ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच लगा रहे हैं, तो उसका जो एक वायर है उसे इसके साथ माइनस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और इन तीनों वायरों को दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो LED है उसके साइड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इससे अलग है, जो किसी पर कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, हम इस एक्स्ट्रा पॉइंट पे इसको हम सोल्डिंग कर देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो दोस्तों, हमने इसे यहाँ पर सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, हम जो स्विच का जो एक पॉइंट है उसे हम LED का जो माइनस पॉइंट है वहाँ पर हम सोल्डिंग करेंगे, ताकि दोस्तों हम जब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें माइनस का सप्लाई होगा और हमारा जो LED बल्ब है वह स्विच से कंट्रोल होगा और जलेगा। तो दोस्तों, हमने इसका वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, हम ग्लू गन की सहायता से इन सभी को चिपकाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम इस होल्डर पे करंट सप्लाई के लिए इस तरह से हम वायर लगा लिए हैं। इससे दोस्तों, हम AC पे करंट सप्लाई देंगे जिससे हमारा LED बल्ब में करंट सप्लाई जाएगा और उससे हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो दोस्तों, हम इस LED को यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, हम नीचे भी इस वाली भाग को ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर सेट करेंगे।
इस तरह से। तो दोस्तों हम इसे सेट कर लें, अब इसका जो ढक्कन है उसे लगा लेते हैं। उसके बाद तो हम इसको फेविक्विक की सहायता से अच्छे से चिपका देंगे। तो दोस्तों हमने इस बल्ब का जो ढक्कन है उसे फेविक्विक की सहायता से अच्छे से चिपका लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये जो होल्डर है जिसपे हम एलईडी बल्ब को पावर सप्लाई देंगे उसे हम ग्लू गन की सहायता से इस बैटरी के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसे ग्लू गन लगा लिए हैं, हम इसे यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस एलईडी बल्ब को इस पर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो स्विच है उसे भी हम यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे ग्लू गन की सहायता से। तो दोस्तों हमने स्विच को भी यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम इसका जो वायर है उसे प्लग में लगाकर इसको पावर सप्लाई देंगे, जिससे हमारा जो एलईडी बल्ब है उसका जो 9 वोल्ट पावर है उससे हमारा बैटरी चार्ज होगा। और बैटरी से दोस्तों हम जो स्विच लगाए हैं उसके ज़रिए हम इस एलईडी बल्ब को ऑन ऑफ करके कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों हम बैटरी का जो वायर है उसे हम प्लग में लगाएंगे। तो दोस्तों हम इस वायर को प्लग में लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम इसे 2 से 3 घंटे चार्ज करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इस बैटरी को चार्ज कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो प्लग है उसे बाहर निकाल लेते हैं, इस वायर को। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो स्विच है उसे ऑन करके दिखाएंगे कि हमारा बैटरी चार्ज हुआ कि नहीं। तो दोस्तों हम इसका स्विच है उसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बैटरी चार्ज हो चुका है अच्छी तरह से, और हमारा एलईडी भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट को घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।